Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम सभी लोग देखने वाले यहाँ पर इंडियन सिस्टम को, इंडियन रेलवे के सभी सिंबल्स को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास हमने देखी थी जिसमें मैंने बात करी थी रेलवे रूल्स और रेगुलेशन की, जी हाँ। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के मुख्य मुख्य सिंबल्स के, जी हाँ, जो हमारे दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को मेरा जय हिंद। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, ऐसा मान है मेरा। और आज हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस भी, और आज मैं आपको कंटेंट भी दिखाऊंगा, बहुत सारे फैक्ट्स की आज हम चर्चा भी करेंगे, यहाँ पर डिटेल्ड क्लास करेंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चंस का मतलब भी समझ में आता जाए। मेरे भाई लोगों, सिंबल्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज मैं आपके सामने यहाँ पर सिंबल्स की डिटेल्ड नॉलेज आपको दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए इस चैनल पर। तो मैं भाई को बढ़ेंगे हम लोग पहले सिंबल्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले सिंबल की बात करें तो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड, ये सामने आपको दिख रहा होगा। रेलवे इस कॉशन इंडिकेटर बोर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब होता है, देखिए ये क्या करता है, द साइन इंडिकेट स्पेशल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रैक ड्यू टू द टेम्पररी और परमानेंट इंजीनियरिंग वर्क। यानी अगर ट्रैक पर कोई परमानेंट या फिर टेम्पररी इंजीनियरिंग वर्क हो रहा होता है तो इसीलिए ये सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जो कि रिस्ट्रिक्शन को मेरे भाई वहां पे शो करता है। ध्यान रखिएगा, नाम भी सिंपल है, कॉशन इंडिकेटर बोर्ड, यानी रिस्ट्रिक्शन को ये शो करता है जब भी ट्रैक पर कोई इंजीनियरिंग काम चल रहा होता है, टेम्पररी काम हो या फिर परमानेंट हो, दोनों के लिए यही सिंबल का प्रयोग किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द एरो इंडिकेट ऑन विच ट्रैक द रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू, यानी ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, यही शो करता है कि किस ट्रैक पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो लागू किया गया है, यानी किस ट्रैक पर जो है वो काम यहां पर चल रहा है। भाई लोग ध्यान रखिए, कॉशन इंडिकेटर बोर्ड आपको ध्यान करना है, ठीक है। दिस बोर्ड यूजुअली पेंटेड इन द ब्लैक और येलो कलर, ब्लैक और येलो कलर में इनको पेंट किया जाता है। तो यही आपसे पूछ सकता है कि कॉशन इंडिकेटर बोर्ड जो है वो किस कलर में पेंट किया जाता है, तो ब्लैक और येलो कलर में। मेरे भाई लोगों, बिल्कुल आसान था, हमें यहां से समझ में आया इस सिंबल के बारे में, बहुत ही आसान था ये, जो एक बार में हमको समझ में यहां पर मेरे भाई लोगों आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड, यानी स्पीड को टर्मिनेट करने के लिए जो हमारा इंडिकेटर बोर्ड होता है उसकी बात यहां कर रहे हैं। क्या होता है, ऑफन व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन वी सी द सर्कुलर बोर्ड रिटन टीजी एंड टीपी ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक। यानी जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें साइड में एक सर्कुलर बोर्ड लिखा हुआ मिलता है जिस पर टी बटे जी या फिर टी बटे पी लिखा होता है। जनरली स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक, यानी जो हमारा ट्रैक है रेलवे का उसके लेफ्ट तरफ, उसके बाईं तरफ जो होता है वो स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड लगे होते हैं। अगर बात करें टीजी की, तो टीजी's फुल नेम इज टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन। यानी अगर मान लीजिए आप किसी ट्रैक पर जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं और साइड में अगर बोर्ड लिखा हुआ है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है टी बटे ची, तो उसका मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन, यानी माल गाड़ियों के लिए वो टर्मिनेशन बोर्ड है। वेयर द फुल फॉर्म ऑफ टीपी, टी बटे पी की फुल फॉर्म है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर द पैसेंजर ट्रेन। यानी अगर टीपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस ट्रैक पर जो स्पीड टर्मिनेशन है वो पैसेंजर ट्रेन के लिए मेरे भाई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टी बटे जी का मतलब, टी बटे जी का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर द गुड्स ट्रेन, और टी बटे पी का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। आगे बढ़े, क्या लिखा होता है, दिस बोर्ड शोज द इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सो दैट द ड्राइवर कैन नाउ दैट द रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्पीड लिमिट हैज एक्सपायर्ड एंड नाउ द ड्राइवर कैन रन द ट्रेन एट द फुल स्पीड। यानी मेरे भाई लोगों, ये बोर्ड क्या शो करता है, ये टी बटे जी और टी बटे पी क्या शो करता है, ये ड्राइवर को ये बताता है कि जो स्पीड पर लगी हुई टर्मिनेशन था वो हट गया,
यानी स्पीड को अब आप बढ़ा सकते हो और पूरी स्पीड में काम यहां से कर सकते हो, पूरी स्पीड में ट्रेन को चला सकते हो। ऑन सच ट्रैक द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ द ट्रेन हैज बीन 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इस तरह के ट्रैक जहां पर ये बोर्ड लगे होते हैं वहां पर जो होता है मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। 30 किलोमीटर के बाद फिर ये बोर्ड जब दिखता है तो इस बोर्ड के बाद वो फुल स्पीड में अपनी ट्रेन को चला सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कॉशन इंडिकेटर जो हमने भी पहले पढ़ा, कॉशन इंडिकेटर में था जब ट्रैक पर कोई काम चल रहा होगा तो ड्राइवर को बताने के लिए कि भैया यहां पर काम चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन है। और स्पीड इंडिकेटर तो हमने समझ लिया, जहां पे टीजी लिखा होगा वो मालगाड़ियों के लिए है और टीबी लिखा होगा तो वो पैसेंजर ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है कि वहां से आगे जो है वो ट्रेन को फुल स्पीड में चलाया जा सकता है। बिल्कुल यहां से पूरी बात समझ में मेरे भाई आपके आ गई होगी। आगे हम अगला देखिए, सिग्नल साइटिंग बोर्ड। सिग्नल साइटिंग बोर्ड देखिए क्या करता है, सिग्नल साइटिंग बोर्ड जो हमारा होता है ये क्या करता है, तो क्या करता है देखिए, दिस सिग्नल साइटिंग बोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिव बोर्ड विद अ सर्कल एंड टू हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी ये जो हमारा बोर्ड होता है ये दो लाइन और एक सर्कल के साथ होता है, येलो ऑन ब्लैक, यानी येलो और ब्लैक कलर में इसको बनाया जाता है। साथ में बात की जाता है मीनिंग ऑफ द सिग्नल ऑफ द ड्राइवर इज दैट दिस साइन वार्न द ड्राइवर, यानी ड्राइवर को चेतावनी देता है ऑफ अ सिग्नल अहेड एंड द ड्राइवर नीड्स टू पे द अटेंशन द सिग्नल। The next signal will instruct him that whatever he needs to slow or stop the train. यानी ये वाला जो सिंबल है ये ड्राइवर को वार्न करता है कि भाई आप सिग्नल का वेट कीजिए, यानी सिग्नल अगला कैसा मिलने वाला है उसका वेट कीजिए। अगर सिग्नल तेज चलाने का है तो तेज चलाइएगा, अगर सिग्नल स्लो चलाने का है स्लो चलाइएगा, और अगर सिग्नल रोकने का है तो रोक दीजिएगा। एक प्रकार से सिग्नल साइटिंग बोर्ड जो है ये एक चेतावनी बोर्ड होता है, इसके माध्यम से हमारा जो ड्राइवर है रेल का उसको चेतावनी मिलती है कि भाई आगे काम कैसे करना है, क्या ट्रेन को रोकना है, क्या स्टॉप करना है या फिर हल्के करना है, ये सारे काम इस सिग्नल के बाद मिलने वाले सिग्नल करते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए, इन लोअर कोऑर्डिनेट टेरिटरी देयर आर ऑफन टू साइटिंग बोर्ड यूज्ड फॉर सिग्नल्स, वन एज डिस्क्राइब्ड इज द गुड सिग्नल साइटिंग बोर्ड एंड इज प्लेस्ड 1400 मीटर बिफोर द सिग्नल, एंड अदर इज द पैसेंजर सिग्नल साइटिंग बोर्ड बाय ड्राइवर अकॉर्डिंग टू 1000 मीटर। भाई लोगों यहां पे एक बात समझिए, अगर कोई मान लीजिए गुड्स ट्रेन है यानी कोई मालगाड़ी है, इसे कोई सिग्नल देना है तो उस सिग्नल से 1400 मीटर पहले, ठीक है, इस सिग्नल से 1400 मीटर पहले ये वाला सिग्नल लगा होगा, इस सिग्नल पर बता दिया जाएगा कि अगले 1400 मीटर पर तुम्हें एक सिग्नल मिलने वाला है, उसके हिसाब से ही ट्रेन को चलाना है। तो यहीं पर ड्राइवर अपनी ट्रेन को स्लो कर लेगा और अगले मिलने वाले सिग्नल पर वो ट्रेन को सही स्पीड में चलाएगा। अगर सिग्नल मिलेगा स्टॉप करने का तो 1400 मीटर के बाद वो रोक देगा, अगर सिग्नल मिलेगा हल्के करने का तो ट्रेन को हल्के कर देगा, और अगर सिग्नल मिलेगा तेज चलाने का तो वो फुल स्पीड में चलाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई लोगों यहां पे गाड़ी हमारी होती है यात्री गाड़ी, तो यात्री गाड़ी को सिग्नल जो होता है ये केवल 1000 मीटर पहले मिलता है, ठीक है, यानी अगर कोई यात्री गाड़ी होगी उसको 1000 मीटर पहले ये वाला सिग्नल मिलेगा, यानी उसको चेताया जाएगा यात्री गाड़ी के ड्राइवर को 1000 मीटर पहले, यानी 1 किलोमीटर पहले ही ये वार्न कर दिया जाएगा कि अगले 1 किलोमीटर के बाद तुम्हें सिग्नल मिलने वाला है, यहां से अपनी गाड़ी को हल्का कर लीजिए, 1000 मीटर के बाद जैसा भी सिग्नल मिले उसके हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिग्नल साइटिंग बोर्ड जो होता है ये मालगाड़ी में सिग्नल से 1400 मीटर पहले और यात्री गाड़ी में सिग्नल से 1000 मीटर पहले जो है वो रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों सिग्नल में ध्यान में आए, स्पीड टर्मिनेशन, क्रॉसिंग बोर्ड और सिग्नल स्लाइडिंग बोर्ड, ये तीनों ही हमें मेरे भाई यहां से समझ में आ चुके हैं। तो भाई लोगों आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि DFCCIL का नॉन टेक लाइव कोचिंग बैच इसमें शुरू हो गया है, फेसबुक पर शुरू हो गया है DFCCIL का नॉन टेक लाइव कोचिंग बैच। जी हां दोस्तों, इसमें आपको मिलेगी 180 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, 30 से भी ज्यादा आपको मिलेंगे टेस्ट और 4000 से भी ज्यादा आपको मिलेंगे क्वेश्चन।
80 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे मेरे भाई। ये 4000 से ज्यादा जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे मेरे भाई लोगों। यही 4000 क्वेश्चन से, इन्हीं 4000 से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। तो जरूर ले इस बैच को, जरूर ले। अगर चाहते हैं कि एक बार में एग्जाम क्लियर हो तो इस बैच को मेरे भाई जरूर ले और अपने सभी एस्पिरेंट तक इस बैच को जरूर पहुंचाएं। साथ में मैं आपको बता दूं, देखिए एक जादुई चीज आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए कोड है, उस कोड को यहां मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर। ये है कोड, देखिए SHUBHAM और साथ में A, ये मेरे भाई एक कोड है जो कि है बिल्कुल जादुई कोड। अगर टेक्स्ट बुक पर आपको किसी भी बैच को लेना हो, चाहे वो DFCCIL का बैच हो, चाहे वो SST का बैच हो, चाहे वो बैंक का बैच हो, चाहे वो गेट का बैच हो, चाहे वो केवल मॉक टेस्ट हो या कुछ भी हो, टेक्स्ट बुक पर अगर आपको कोई भी बैच लेना है तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए मेरे भाई। और इस कोड के इस्तेमाल से आप देखेंगे सीधे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। जी हाँ, सीधे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको दिलाएगा 20% का डिस्काउंट। और साथ ही साथ आपका नाम जो है वो मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा मेरे भाई लोगों। तो इस जादुई कोड का इस्तेमाल जरूर करें जब भी कोई भी बैच टेस्ट बुक पर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सिंबल की ओर। ये सिंबल देखिए बहुत कॉमन सिंबल है, सभी ने देखा होगा। द W इज द जनरल विसिल इंडिकेटर व्हाइल द WL स्टैंड फॉर द विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग। ये बहुत ही सिंपल हमारे साइन है जो हमने ट्रेन में बैठे हुए कई बार ट्रैक के इधर उधर देखे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो W है केवल, ये क्या शो करता है, ये शो करता है विसिल इंडिकेटर। यानी जैसे ही W का इंडिकेटर दिखेगा तुरंत ड्राइवर क्या करेगा, ट्रेन का हॉर्न बजाएगा, ठीक है। जैसे ही W दिखेगा तुरंत जो है ट्रेन का ड्राइवर जो है वो हॉर्न को बजाएगा। लेकिन अगर उसे मान लीजिए ये दिख रहा है W/L, अगर उसे दिख रहा है W/L तो क्या करेगा, W/L स्टैंड फॉर द विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग। यानी यहां पर वो लेवल क्रॉसिंग के लिए विसिल बजाएगा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज देयर इज द अनमैन्ड क्रॉसिंग अहेड। W/L ये इंडिकेटर वहां होता है जहां पर कोई क्रॉसिंग होती है जिसमें बिना फाटक के होती है। हमने देखा होगा बहुत सारी क्रॉसिंग हमारी ऐसी है जो बिना फाटक की है, जहां पर फाटक नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी क्रॉसिंग पर जो ड्राइवर है वो लोगों को पहले से आगाह करने के लिए एक हॉर्न बजाता है, विशेष पैटर्न में हॉर्न बजाता है, तो उसी के लिए W/L होता है। ध्यान रखिए, आपसे पूछेगा कि हमारा W जो इंडिकेटर है वो किस लिए है, तो वो जनरल विसिल के लिए है। और W/L जो इंडिकेटर है ये वहां होता है जहां पर कोई भी क्रॉसिंग जो है वो अनमैन्ड क्रॉसिंग होती है, जहां पर फाटक नहीं होता, जहां पर कोई इंसान नहीं होता, जहां पर केवल पास करने वाले लोग होते हैं, उसे मैनेज करने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसी क्रॉसिंग पर ये वाला सिंबल लगा होता है W/L। आगे बढ़े, द लेटर इज ऑल्सो सीन इन द हिंदी विद द कैरेक्टर सीफा। यानी अगर इसी को देखिए सीफा, तो यहां पर देखिए ऐसा होता है, अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में लिखा होता है सी और फा। सी का मतलब होता है सीटी, फा का मतलब होता है फाटक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहां भी फाटक होता है, जहां भी ऐसा फाटक है जहां पे अनमैन्ड क्रॉसिंग है, यानी वहां पर जो है कोई भी इंसान उस क्रॉसिंग को मैनेज करने वाला नहीं है, तो वहां पर ये लगा होता है हमारा सी और फा, जिसके अकॉर्डिंग ड्राइवर जो होता है वो अपना हॉर्न को बजाता है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा W और W/L और सी फा, ये तीनों को आप लोग मेरे भाई लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन, 250 मीटर ऑफ अनमैन्ड गेट। यानी ये जो सिंबल होता है ये फाटक से 250 मीटर पहले रखा गया होता है, यानी फाटक से 250 मीटर पहले जो है वो इसको रख दिया जाता है, इसको बना दिया जाता है, और 250 मीटर पहले से ही ड्राइवर जो है वो अपना हॉर्न देना शुरू कर देता है, ताकि जो भी लोग अगर क्रॉसिंग पर हैं भी तो वो वहां से हट जाए और अपनी जान बचा ले। सिमिलरली द W/B वो इन्फॉर्म द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन दैट द ब्रिज इज अहेड, सो ही नीड टू ब्लो द हॉर्न व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। यानी जब भी किसी ब्रिज पर रेलगाड़ी पहुंचती है तो वहां पर लिखा होता है W/B। W/B अगर किस सिंबल पे लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आगे ब्रिज शुरू होने वाला है, आगे पुल शुरू होने वाला है, और वो वहां के लोगों को आगाह करने के लिए, वहां के लोगों को चेतावनी देने के लिए एक हॉर्न फिर से बजाता है, ताकि पुल पर खड़े लोग जो है वो पटरी से दूर हट जाए और अपनी जान को बचा ले। तो W का मतलब नॉर्मल हॉर्न, W/L का मतलब अनमैन्ड क्रॉसिंग पर, सी फा का मतलब अनमैन्ड क्रॉसिंग पर, और W/B का मतलब जब कोई पुल शुरू होने वाला होता है तब वहां पे W/B की हम लोग
गुंजाइश करते हैं, ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे। ये 250 मीटर ध्यान रखेंगे, 250 मीटर पहले होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगली बात देखिए, एक्स मार्क ऑन द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन। हम सभी ने देखा होगा जो ट्रेन का आखिरी डिब्बा होता है उसके पीछे बना होता है क्रॉस, ये तो सभी ने देखा होगा मेरे भाई, ठीक है। कोई भी ट्रेन होती है उसके आखिरी डिब्बे पर बना होता है क्रॉस, तो ये क्रॉस जो है ये क्या होता है। द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन इज मार्क्ड विद द येलो एक्स पॉइंट मार्क, दिस मार्क इज द सिग्नल फॉर द ट्रेन सुपरवाइजर टू नो दैट द एंटायर ट्रेन इज डिपार्टेड। यानी जो उस ट्रेन के लिए स्टेशन पर सुपरवाइजर है, ठीक है, जो उस ट्रेन का सुपरवाइजर है वो ये समझ जाए कि पूरी ट्रेन जा चुकी है, ये इसीलिए होता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, जो ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्रॉस का साइन बना होता है, इस क्रॉस के साइन का मतलब केवल ये होता है कि जो ट्रेन का सुपरवाइजर है वो ये बात समझ सके कि पूरी ट्रेन जो है वो जा चुकी है, अब कोई भी डिब्बा उसका शेष नहीं रह गया, ठीक है। ध्यान रखना मेरे भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन का जो लास्ट डिब्बा होता है उस पे क्रॉस का साइन जो होता है वो यही शो करता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। ट्रेन सुपरवाइजर इससे क्या करता है, एक अपनी जानकारी करता है कि हाँ पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, अब कोई भी डिब्बा उसका यहां पर नहीं रह गया, सही है। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट कोच ऑफ ट्रेन ऑल्सो हैज द इलेक्ट्रिक लैंप, यानी जो लास्ट कोच होता है इस पर एक इलेक्ट्रिक लैंप भी होता है। इन द ऑर्डर डेज दिस लैंप वाज बर्नड विद ऑयल बट नाउ इट इज बर्न विद द इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो आखिरी डिब्बा होता है, हमने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी होंगी जिसमें ट्रेन में लालटेन जलाता हुआ इंसान हमें दिखाई देता है, आखिरी डिब्बे पे खड़ा हुआ इंसान लालटेन हाथ में लेके खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वैसी चीज हमारे ट्रेनों में अब होती है। लेकिन अब हम लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इसीलिए वो लालटेन जो है अब बन गई है इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब भी होता है जो कि सीधी सी बात है रात में जलता होगा, उसको देखकर ही जो ट्रेन का सुपरवाइजर है वो पहचानता होगा कि लास्ट डिब्बा कहां पर है या लास्ट डिब्बा निकला है या नहीं निकला मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अगली बात देखिए, अगली बात, द साइन ऑफ एलवी ऑन द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन, यानी लास्ट कोच पर ही एक साइन और होता है जिस पर लिखा होता है एलवी, ठीक है। तो लास्ट जो सेल है उस पर लिखा होता है एलवी, ये एलवी क्यों होता है जरा ये भी समझ लीजिए। लास्ट जो हमारा सेल है, लास्ट जो हमारा कोच होता है, इस पर हमारा एलवी भी लिखा होता है, तो ये एलवी क्यों लिखा होता है जरा इसका समझिए। क्या ये ऑन द फाइनल कोच ऑफ द ट्रेन देयर इज अ स्मॉल बोर्ड रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट इंग्लिश और रेड व्हाइट कलर, द बोर्ड हैज एलवी रिटन ओवर इट, दिस एलवी स्टैंड फॉर द लास्ट व्हीकल फाइनल कोच ऑफ द ट्रेन। यानी इस एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, जैसे ये क्रॉस साइन शो करता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है और ये आखिरी डिब्बा था, उसी प्रकार एलवी शो करता है लास्ट व्हीकल, यानी यही डिब्बा जो है वो लास्ट डिब्बा है, इसके पहले के सारे डिब्बे मेरे भाई लोग जा चुके हैं, ये साइन हमारा यही शो करता है। अब याद करिए इसका कलर, ये लिखा होता है रेड कलर से या फिर व्हाइट कलर से, रेड एंड व्हाइट कलर से लिखा होता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर से लिखा होता है, ठीक है, या तो होगा ब्लैक एंड व्हाइट और या फिर होगा रेड एंड व्हाइट, दोनों कलर में से किसी एक से लिखा होगा, या तो ब्लैक एंड व्हाइट से लिखा होगा या फिर रेड एंड व्हाइट से लिखा होगा, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर छोटे से बॉक्स में। और मतलब इसका भाई होता है कि भैया आखिरी डिब्बा जो है वो यही है, यानी लास्ट व्हीकल जो है मेरे भाई वो यही वाला है, ठीक है। इतनी बात यहां तक मेरे भाई लगभग लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आ गया लास्ट व्हीकल, एलवी का मतलब में समझ में आ गया लास्ट व्हीकल, ठीक है, एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी यही अंतिम डिब्बा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अब देखिए अगला है कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, तो यहां पे भी हमें समझ में आ गया, सीटी रिटन बाय इंक ब्लैक ऑन द राउंड येलो बोर्ड, दिस साइन इंडिकेट द ड्राइवर दैट द टनल इज अहेड ऑफ द ट्रेन। यानी जैसे ही ट्रेन किसी टनल में जाने वाली होती है तो उस टनल के बाहर ही ये सिग्नल दिखाई जाता है सीटी का, सी बटे टी का, जिसका मतलब ड्राइवर समझ जाता है कि आगे ट्रेन को टनल में ले जाना है, यानी आगे जो है वो टनल बनी हुई है जिसमें से ट्रेन को गुजरना होगा। तो मेरे भाई लोगों ये ध्यान रखिएगा, W बटे L का मतलब ध्यान कर लिया हमने,
सी फा का मतलब ध्यान कर लिया, यानी सीटी और फाटक। और इसी प्रकार हमने जो क्वेश्चन बोर्ड है उसका भी ध्यान कर लिया। मेरे भाई लोगों इनको पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ये लोग याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए आगे भी कुछ साइंस मैंने यहां पर दिए हुए, इन साइंस को एक बार ध्यान कर लीजिए। ये साइंस हमारे एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। रेलवे लाइन, अगर रेलवे लाइन की बात करेंगे भाई लोग, ठीक है ना, अगर रेलवे लाइन की बात करेंगे तो रेलवे लाइन के लिए देखिए ये वाला सिंबल होता है, हमारे रेलवे लाइन के लिए देखिए ये सिंबल होता है जिसमें एक लंबी लाइन होती है और उसको थोड़ा सा ये इस तरीके से लाइनों से काट दिया जाता है। जहां भी ये सिंबल दिखे इसका मतलब होता है कि आगे क्या है, रेलवे लाइन है। जहां पर भी आपको सिंबल दिख जाए इसका मतलब ये होता है कि आगे जो है वो रेलवे लाइन है। इसी प्रकार अगर इस प्रकार का सिंबल दिखता है, अगर इस प्रकार का सिंबल दिखता है इसका मतलब होता है कि आगे डबल रेलवे लाइन है, यानी दो रेलवे लाइन है आगे, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग, दोनों सिंगल रहेंगे, रेलवे लाइन सिंगल होगी तो इस प्रकार का सिंबल होगा, अगर डबल होगी तो मेरे भाई इस प्रकार का सिंबल आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर रेलवे ब्रिज है तो रेलवे ब्रिज में देखिए इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। अगर रेलवे ब्रिज आपके सामने है या रेलवे ब्रिज आगे है तो इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा भाई, जैसा सिंगल यहां पर बना हुआ है इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी का मतलब होता है मेरे भाई कि आगे जो है वो रेल का पुल है, यानी रेलवे पुल बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार लेवल क्रॉसिंग की बात करें तो लेवल क्रॉसिंग के लिए फिर आपको इस तरह का साइन देखने को मिल जाएगा। इसी का मतलब होता है कि आगे जो है वो लेवल क्रॉसिंग है मेरे भाई लोगों। इतनी बात यहां से ध्यान में करेंगे, ये सिंपल आपने ध्यान कर लिए तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला मेरे भाई, बिल्कुल गलत यहां से नहीं होने वाला, ठीक है ना। सार्थक जी बिल्कुल, अभी जी देखिए ये सारे जो है, ये सारे जो सिंबल हैं, ये सारी जो जीके हैं, ये नॉर्मल जीके है, ठीक है, जितने भी एग्जाम होने हैं डीएफ सीसीआईएल का उसमें जो नॉर्मल जीके क्वेश्चंस हैं वो नॉन टेक वाले जी क्वेश्चन जो है उनमें सबसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सिविल का हो चाहे वो किसी का भी हो, नॉर्मल जो जनरल नॉलेज आनी है उसमें रेलवे के कितने क्वेश्चन बनेंगे वो रेलवे जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए ये कुछ सिंबल मैंने और यहां पर आपको शो किए, ये कुछ सिंबल आपके सामने और है, देखिए सबसे पहला है ट्रैक मल्टीपल और सिंगल, यानी जब भी ट्रैक होगा तो ट्रैक का सिंबल मल्टीपल है सिंगल है उस तरह का सिंबल होगा। ट्रैक अंदर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन में है ट्रैक यानी ट्रैक पर कोई काम चल रहा है तो इस तरह का सिग्नल आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए स्लाइडिंग साइड है या टनल है तो सभी के यहाँ पे सिंबल देखिए लिखे हुए हैं, इस तरह के सिंबल मेरे भाई आपको ध्यान कर लेने हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इन सिंबल्स के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा मेरे भाई लोगों, तो इनको आपको जरूर यहां से ध्यान कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है जी 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 बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए स्पीड लिमिट की अगर बात करी जाए, अगर स्पीड लिमिट की बात करी जाए तो नॉर्मल साइन होते हैं स्पीड लिमिट के लिए, ठीक है, स्पीड लिमिट के लिए नॉर्मल साइन होते हैं जहां पे किलोमीटर पर घंटा लिखा होता है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में क्या स्पीड रखी जाएगी वो नॉर्मल ही होता है। अब जरा एक बात यहां पे समझिए, समटाइम्स द बोर्ड हैज एडिशनल टैग फॉर इंस्टेंस राजधानी ओनली, यानी कभी कभी क्या होता है बोर्ड पर अलग से लिखा होता है कुछ, जैसे लिखा होगा राजधानी ओनली, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दैट द स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द राजधानी सर्विस ऑन द स्ट्रेच, यानी मेरे भाई अगर लिखा हुआ है राजधानी ओनली तो इसका मतलब होगा कि राजधानी के लिए ही यहां पर इतनी स्पीड को अवेलेबल करा गया है, ठीक है। जब भी अलग से कुछ लिखा हो, अगर सिंपल लिखा होगा 100 तो सभी के लिए 100 किलोमीटर पर आवर, अगर लिखा होगा 45 सभी के लिए 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर उसके नीचे अचानक से या अलग से कुछ लिखा हुआ है, राजधानी लिखा हुआ है, शताब्दी लिखा हुआ है, कुछ भी अलग से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा मेरे भाई कि वहां पर जो है वो उसी ट्रेन के लिए काम ये करेगा, उसी ट्रेन के लिए सिंबल है, बाकी ट्रेन के लिए सिंबल ये नहीं है। नंबर ऑफ रूपे इंडिकेटर स्पेशल स्पीड लिमिट फॉर राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन, यानी अगर ब्लू बोर्ड है, देखिए अगर ब्लू रंग का बोर्ड है, अगर नीले रंग का बोर्ड है तो इसका मतलब है कि इस पे जो स्पीड लिमिट है वो केवल राजधानी और शताब्दी ट्रेन के लिए है।
अब यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजधानी और शताब्दी ट्रेन का जो स्पीड लिमिट है वो कौन से रंग का बोर्ड होता है, तो वो ब्लू रंग का बोर्ड होता है। राजधानी और शताब्दी ट्रेन के लिए जो स्पीड का हमारा बोर्ड होता है वो केवल ब्लू कलर का होता है मेरे भाई, इसको आपको यहां से ध्यान कर लेना है। दूसरा देखिए, टेक्स्ट होगा व्हाइट कलर में, बोर्ड होगा ब्लू कलर में, लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो नॉर्मल बोर्ड हमारा येलो में होगा और टेक्स्ट हमारा ब्लैक में होगा। राजधानी और शताब्दी के लिए हमारा बोर्ड होता है ब्लू और उस पर लिखा होता है हमारा व्हाइट कलर में मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात यहां से मेरे भाई ध्यान करेंगे तो यहां से हमारे क्वेश्चन मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल सही होते हुए चलते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है स्टॉप इंडिकेटर। स्टॉप इंडिकेटर ये क्या होता है, देखिए रेक्टेंगुलर बोर्ड विद द रेड एंड व्हाइट बैंड, यानी एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जिसपे रेड और व्हाइट बैंड बने होते हैं। इट इज माउंटेड ऑन द पोस्ट विद अल्टरनेटिंग रेड एंड व्हाइट बैंड, एट नाइट द साइन इज इल्यूमिनेटेड बाय द टू रेड लैंप्स, यानी रात में क्या होता है ये साइन जो होता है वो चमकता है दो लैंप के द्वारा। दिस इज यूज्ड फॉर टेंपरेरी और परमानेंट इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन व्हिच कॉल फॉर द ट्रेन टू कम टू द डेड स्टॉप बिफोर प्रीसीडिंग, यानी ये शो करता है इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस को, यानी जहां पर ये बोर्ड होगा इसका मतलब ये कि आगे ट्रैक पर काम चल रहा है, आगे ट्रैक बंद है, यानी आगे जो है वो डेड स्टॉप है, उसको समझाने के लिए ये स्टॉप इंडिकेटर होता है मेरे भाई लोगों, इतनी बात आपको ध्यान करनी है। इसी तरह का एक इंडिकेटर हमने सबसे पहला पढ़ा था जिसको हमने कहा था स्टाइलिंग साइड स्टाइलिंग बोर्ड कॉशन बोर्ड, उसका मतलब ये था जब भी ट्रैक पर कोई इंजीनियर काम चल रहा होगा तब उस साइन का प्रयोग किया जाएगा, और इसका भी प्रयोग मेरे भाई इसीलिए किया जाता है जब हमारे साइट पर कोई काम चल रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए यहां पर कुछ फुल फॉर्म्स हैं, हमारे टिकटिंग सिस्टम की कुछ फुल फॉर्म यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। जो हमारे टिकट्स होते हैं उन टिकट पर जो कुछ फुल फॉर्म लिखी होती है, जैसे आरएसी, आपने कई बार टिकट पर आरएसी लिखा हुआ देखा होगा। अब ये आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट द कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म यहां पर है, इन फुल फॉर्म को मेरे भाई जरूर आपको याद करना होगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, इन फुल फॉर्म को आपको यहां पर जरूर जरूर याद करना होगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी फुल फॉर्म। जैसे आरएसी आपने नॉर्मल देखा होगा, डब्ल्यू एल आपने अपने टिकट पर लिखा हुआ देखा होगा। डब्ल्यू एल का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट नंबर, यानी ये रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में है, अगर कोई चीज खाली हुई तो इसको वेटिंग के बाद सीट मिल जाएगी। आपने आर एल डब्ल्यू एल कई बार लिखा हुआ देखा होगा, आर एल डब्ल्यू एल, ये आर एल क्या होता है, रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट मेरे भाई, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी फुल फॉर्म्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, इनको आपको जरूर देखना होगा अपने एग्जाम के लिए, जरूर आपके एग्जाम में मेरे भाई ये पूछी जाएंगी, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी फुल फॉर्म मेरे भाई आपको यहां से याद करनी होंगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे सिंबल हमने देखे यहां पर, अब कुछ क्वेश्चन में देखिए दिखाता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है जिनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमें क्वेश्चन वो आते हैं या नहीं। ये सारे सिंबल मैंने आपको बताए हैं, जो मेजर सिंबल है रेलवे के वो सारे मैंने आपको यहां सॉल्व कराए हैं, अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि कैसे हमारी नॉलेज है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे, इसका आंसर मुझे बताना है आपको, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन सा है, विच इज द मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे, क्या वो मॉरिस है, क्या वो मॉर्गन पीकॉक है, क्या वो नंदी बुल है, या फिर भोलू एलिफेंट है, हमारे रेलवे का शुभंकर क्या है, आंसर बताइए सभी लोग। राजेंद्र जी, अनुराग जी, मृत्युंजय जी, सार्थक साहू जी, इसका आंसर मुझे बताइए, क्या है हमारे भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक। बहुत ही बढ़िया, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, भोलू एलिफेंट, हमारे रेलवे का जो शुभंकर प्रतीक है वो है हमारा भोलू एलिफेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए, नंबर रिटन इन द व्हाइट कलर ऑन अ ब्लू ट्राइंगुलर बोर्ड इन रेलवे लाइन इंडिकेट, यानी एक ट्राइंगुलर बोर्ड होता है जो कि ब्लू कलर का होता है और इस पर व्हाइट कलर से लिखा होता है, तो अब ये किसके लिए होता है, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, ब्लू कलर का बोर्ड है, ट्राइंगुलर बोर्ड है और लिखा है उस पर व्हाइट कलर से, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, क्या ये यात्री ट्रेनों के लिए है, क्या ये मालगाड़ी के लिए है, क्या ये राजधानी और शताब्दी के लिए है, क्या ये लोकल ट्रेनों की गति सीमा है, किसके लिए होता है ये अभी पढ़ा है हमने। बढ़िया, राजेंद्र जी, अनिल जी,
धर्मना जी, वैभव राज जी, मृत्युंजय जी, सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं। बढ़िया आंसर, सभी को याद है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर थ्री, राजधानी और शताब्दी के लिए ही ये बोर्ड होता है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड आर जनरली, यानी सावधानी सूचक बोर्ड आमतौर पर कैसे होते हैं? अभी पढ़ा है इसका आंसर, क्या ये राउंड शेप्ड होते हैं, ट्राइंगुलर होते हैं, एरो शेप्ड होते हैं, या फिर हेक्सागोनल शेप के होते हैं, षटकोणीय आकार के होते हैं? अभी मैंने दिखाया था, सबसे पहला इंडिकेटर हम लोगों ने कॉशन इंडिकेटर बोर्ड ही पढ़ा था। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, कैसे होते हैं कॉशन इंडिकेटर बोर्ड? तेजी से मुझे इसका आंसर बताइए, कैसे होते हैं कॉशन इंडिकेटर बोर्ड? सभी के मुझे मिल रहे हैं आंसर, बढ़िया। राजेंद्र जी, अनिल जी, वैभवराज जी, मृत्युंजय जी, धर्माना जी, बढ़िया, सभी के मुझे यहां पे आंसर मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भाई सही आंसर की बात करें, सही आंसर होगा तीर के आकार का। अभी हमने देखा, देखिए ये देखिए कॉशन इंडिकेटर बोर्ड, अभी हमने देखा था तीर के आकार का होता है ये, ठीक है। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड यानी सावधानी सूचक बोर्ड जो है वो तीर के आकार का मेरे भाई होता है, ठीक है ना, तीर के आकार का मेरे भाई होता है, ये हमने अभी देखा था, ठीक है, ध्यान करिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। मालगाड़ी के लिए दृष्टि संकेत बोर्ड को संकेत से कितने मीटर पहले रखा जाता है? ये भी अभी मैंने आपको बताया, साइड सिग्नल बोर्ड फॉर गुड्स ट्रेन इज टू बी प्लेस मीटर बिफोर फॉर द सिग्नल। मालगाड़ी के लिए कितने पहले होता है, 1000 मीटर, 1400 मीटर, 2000 मीटर, या फिर 500 मीटर? जल्दी से इसका आंसर बताइए, मालगाड़ी के लिए जो हमारा दृष्टि संकेत बोर्ड होता है उसे कितना पहले रखा जाता है? सिग्नल मिलने वाला है, इसका संकेत कितना मीटर पहले मिल जाएगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी को याद है, सभी को याद है, बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे भाइयों, बिल्कुल 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 सही आंसर दिया है सभी लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। सही आंसर है मेरे भाई लोगों ऑप्शन नंबर दो, 1400 मीटर। देखिए हमने यहां पर देखा था मेरे भाई, ये देखिए साइड सिग्नल बोर्ड, हमने इसको देखा था, मैंने बताया था आपको मालगाड़ी में क्या होगा 1400 मीटर पहले होगा, और यात्री गाड़ी में जो होगा मेरे भाई वो 1000 मीटर पहले होगा, ठीक है। मालगाड़ी में जो होगा वो 1400 मीटर पहले होगा, और यात्री गाड़ी में जो होगा वो 1000 मीटर पहले वो सिग्नल दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे भाई लोगों को, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर दिया है 1400 मीटर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। देयर आर सर्कुलर बोर्ड ऑफ 1 मीटर डायमीटर पेंटेड विद येलो पेंट एंड लेटर टी इज रिटन ऑन द ब्लैक कलर, व्हाट डज द लेटर टी इंडिकेट? यानी एक हमारे पास 1 मीटर डायमीटर का एक येलो बोर्ड होता है, येलो कलर का बोर्ड, जिस पर ब्लैक कलर से लिखा होता है टी। ये टी का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा है इसका मतलब भी, क्या इसका मतलब होता है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या इसका मतलब होता है टर्मिनेट द स्पीड रिस्ट्रिक्शन, क्या इसका मतलब होता है ट्रेवल एट लिमिटेड स्पीड, क्या इसका मतलब होता है स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टेशन? अभी इसका भी आंसर में देखा था, टी का मतलब क्या होता है, तेजी से मुझे इसका आंसर बताइए, टी का मतलब क्या होता है? येलो बोर्ड पर टी लिखा होगा, अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, टी का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताए तेजी से, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, गति प्रतिबंध को समाप्त करना, ये हमने देखा था मेरे भाई। देखिए ये है स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर, टी बटे जी लिखा है, इसका मतलब मालगाड़ी के लिए है वो, और टी बटे अगर पी लिखा है तो इसका मतलब वो पैसेंजर के लिए है मेरे भाई, ठीक है ना। टी बटे पी लिखा है तो पैसेंजर के लिए है, और अगर टी बटे जी लिखा है तो वो मालगाड़ी के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड पर लिमिट लगी गई थी वो लिमिट की कंडीशन खत्म हो गई है, अब आप पूरी स्पीड से ट्रेन को चला सकते हैं, जितना आपकी ट्रेन चल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने, आगे बढ़िए। अगला देखिए, शंटिंग लिमिट बोर्ड, शंटिंग लिमिट बोर्ड होता है कौन सा, शंटिंग लिमिट बोर्ड कौन सा होता है, जिसके केंद्र पर एस लिखा हो, जिस पर काली धारियां हो, जिस पर एक काला क्रॉस हो, या फिर रेड डॉट इन द सेंटर। शंटिंग सीमा बोर्ड कौन सा होता है, जितने एरिया में शंटिंग की जाती है
उस शंटिंग के लिए कौन सा सिग्नल दिया जाता है, कौन सा सिंबल होता है? आप बिल्कुल हिम्मत सेन जी, बिल्कुल आप बीएससी हैं तो आप डीएफसीसीआई का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फॉर ऑपरेशन एंड बीडी, उसमें आपको एनी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर देखेंगे, सही आंसर है एक ब्लैक क्रॉस, यानी शंटी सीमा बोर्ड जो होता है वो एक ब्लैक क्रॉस बना होता है मेरे भाई। ठीक है ना, एक ब्लैक क्रॉस बना होता है, इसी का मतलब होता है कि यहीं तक जो है वो शंटिंग की सीमा है, इससे आगे जो है वो शंटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ रेलवे क्रॉसिंग व्हिच इज नॉट मेंट बाय पर्सनल, यानी एक ऐसा सिग्नल जो इंगित करता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है जो कर्मियों द्वारा संचालित नहीं है। इसको भी पढ़ा था, क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है स्टॉप, क्या लिखा होता है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, या लिखा होता है वल्नरेबल पॉइंट, या फिर कॉशन लिखा होता है। कौन सी चीज में शो करती है एक रेलवे क्रॉसिंग जो कर्मियों द्वारा संचालित नहीं है? बताएं तेजी से इसका आंसर। ऑप्शन नंबर वन होगा, ऑप्शन नंबर टू होगा, ऑप्शन नंबर थ्री होगा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर होगा। तेजी से बताएं इसका आंसर। बहुत बढ़िया आंसर मुझे मिल रहे हैं, सही आंसर मुझे मिल रहे हैं। राजेंद्र जी, अनिल जी, पवन कल्याण जी, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं यहां पर। वैभवराज जी, बढ़िया। तो भाई बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग का साइन जो है यही इंडिकेट करता है कि आगे जो है वो रेलवे क्रॉसिंग ऐसी है जो कर्मियों द्वारा संचालित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, रेलवे में एलवी का मतलब क्या है, जल्दी से बता दीजिए, एलवी का मतलब क्या होता है? लोकल व्हीकल, लास्ट व्हीकल, लोअर व्हीकल, या फिर लाइट व्हीकल? अभी इसको पढ़ा था, अभी इसको मैंने बताया था एलवी का मतलब क्या होता है। रेलवे कोच पर छोटे से बोर्ड में लिखा होता है एलवी, इस एलवी का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया था, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे। एलवी का मतलब क्या होगा, क्या स्थानीय वाहन, अंतिम वाहन, निम्न वाहन, या फिर हल्का वाहन? सभी लोग आंसर दीजिए। अनिल जी का मुझे आंसर मिला है केवल, ओमकार जी का आंसर मिल गया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए सही आंसर यहां पे होगा अंतिम वाहन, ये मैंने बताया था आपको, हमारा जो एलवी का मतलब होता है वो होता है लास्ट व्हीकल। ठीक है, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखा होता है, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो है छोटा सा बॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है एलवी, और इसी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी यही ट्रेन का जो है वो अंतिम डिब्बा है, इसके बाद कोई भी डिब्बा मेरे भाई नहीं है। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दो, अभी हमने इसको पढ़ा था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिकेटर इंडिकेट फ्लैट स्पेसेस मेड अलोंग द ट्रैक्स इन द शेप ऑफ स्क्वायर व्हेन इंस्पेक्शन ट्रॉली मैन एंड द मटेरियल कैन वेट द ट्रेन पासेस फ्रॉम द ट्रैक, यानी इनमें से कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है पटरियों के साथ बने फ्लैट स्थानों को इंगित करने के लिए, जहां पर निरीक्षण ट्रॉली पुरुष और सामग्री ट्रेन से ट्रेन के गुजरने तक का इंतजार कर सकते हैं? कौन से एक कॉशन से, कौन से एक संकेत से जो संकेतक पटरियां हैं वहां पर फ्लैट स्थानों को इंगित किया जाता है, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। अनिल जी, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, उसके लिए आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, क्लियर, बताइए मुझे इसका आंसर जल्दी से, तेजी से मुझे बताइए, तेजी से मुझे बताइए। हिमांशु अग्रवाल जी, इसका एग्जाम देखिए अभी जून में टेंटेटिव है, लेकिन जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उस प्रकार से आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन टेंटेटिव डेट जो है वो जून की है मेरे भाई। ठीक है ना,
तो भाई देखो, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, रिफ्यूज। इसी संकेतक के द्वारा ये हमारा जो फ्लैट स्टैंड है उसकी बातें हमें पता लग जाती है मेरे भाई, ठीक है ना। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, रेलवे पटरियों में संकेतक बोर्ड बंद करने के लिए क्या होता है? स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड इन रेलवे ट्रैक, यानी स्टॉप इंडिकेटर जो रेलवे बोर्ड पर लगा होता है वो क्या करता है? क्या ये आगे एक सिग्नल के चालक को चेतावनी देता है, वॉज द ड्राइवर ऑफ अ सिग्नल है, यानी क्या जो स्टॉप इंडिकेटर होता है वो ये बताता है कि आगे एक सिग्नल आने वाला है, क्या ये इंगित करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने की आवश्यकता है? क्या जो हमारा स्टॉप इंडिकेटर है वो ड्राइवर को बताता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोकना है, या फिर हेडलाइट पर स्विच करने के लिए लोको पायलट को सलाह देता है, और या फिर चौथा ऑप्शन अस्थाई या स्थाई इंजीनियरिंग प्रतिबंधों के उपयोग के लिए किया जाता है? जल्दी से मुझे बताइए, स्टॉप इंडिकेटर का प्रयोग कहां और क्यों किया जाता है? पवन कल्याण जी, लोकेश पाल जी, राजेंद्र जी, ओमकार जी, अनिल जी, सभी का मुझे आंसर यहां पे मिल गया है। तो भाई देखो, तो सही आंसर की अगर बात करेंगे तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो स्टॉप इंडिकेटर होता है वो अस्थाई और स्थाई इंजीनियरिंग प्रतिबंधों के लिए उपयोग किया जाता है, जो ट्रेन को आगे बढ़ने से पहले ही क्या करता है, एक मृत पड़ाव आने के लिए कहता है। हमने इसके बारे में देखिए पढ़ा था, हमने इसके बारे में ये पढ़ा था। देखिए, स्टॉप इंडिकेटर के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये डेड स्टॉप को शो करता है, यानी ड्राइवर को बताता है कि आगे एक डेड एंड आने वाला है मेरे भाई। तो यही करता है हमारा स्टॉप इंडिकेटर, जिसका हमने अभी यहां पर क्वेश्चन देखा था। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं मेरे भाई लोगों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो स्टॉप इंडिकेटर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4, अभी हमने देखा इसको। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑन अ येलो कलर्ड स्क्वायर रेलवे साइन बोर्ड लेटर एल इज रिटन इन द ब्लैक कलर, व्हाट डज द एल इंडिकेट? यानी एक स्क्वायर बोर्ड होता है जो पीले रंग का होता है, ठीक है, और इस पर जो है वो लाल एक बना होता है, यानी एल बना होता है हमारे ब्लैक कलर से, ठीक है। एक पीले रंग का हमारा बॉक्स होता है जिस पर काले रंग से बना होता है एल। तो इस एल का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब लेवल क्रॉसिंग है, क्या इसका मतलब लास्ट व्हीकल है, क्या इसका मतलब विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग है, या फिर नन ऑफ द एबव? इस एल का मतलब मेरे भाई क्या होता है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। इस एल का मतलब क्या होता है, तेजी से मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल 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 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई लोग, बिल्कुल सही आंसर। इसका मतलब होता है लेवल क्रॉसिंग, यानी एल का मतलब ही होता है मेरे भाई लोगों लेवल क्रॉसिंग। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई लोगों आपने दिया है। तो भाई लोगों, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं रेलवे सिंबल और साइन के संबंध में। यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा अपने एग्जाम में, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया, याद कर लिया, तो यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अपने सिंबल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन सूचना आपको देनी है, न्यूज आपको देनी है मेरे भाई लोगों, कि अपना जो DFCCIL का टेक्निकल क्लासेस का बैच है वो तो हमारे इसी चैनल पर रेगुलर चलता रहेगा, टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग चैनल पर अपने टेक्निकल क्लासेस दी रहेंगी, लेकिन जो नॉन टेक्निकल क्लासेस हैं मेरे भाई वो अब मेन चैनल पर चलेंगी इसी समय 3:30 बजे ही। अपनी नॉन टेक्निकल की जो क्लास है वो मेन चैनल पे चलेगी textbook.com पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी नॉन टेक्निकल क्लासे हैं वो सारी नॉन टेक्निकल क्लासे अब जो है वो हमारे textbook.com के मेन चैनल पर चलेंगी मेरे भाई लोगों, ध्यान रखिएगा। और जो टेक्निकल क्लासे हैं वो टेक्निकल क्लासे इसी चैनल पर चलेंगी, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो टेक्निकल हमारी क्लासे हैं, जो टेक्निकल क्लासे हैं वो तो हमारी इसी चैनल पर चलेंगी, सेम चैनल, ठीक है। लेकिन जो हमारी नॉन टेक्निकल क्लासे हैं, नॉन टेक्निकल क्लासे वो मेरे भाई लोगों मेन चैनल पर चलनी है, textbook.com के मेन चैनल पर वो क्लासेस चलनी है, यानी textbook.com पर, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए, नॉन टेक्निकल जो हमारी क्लासे हैं वो textbook.com पर चलेंगी, इसी समय चलेगी, सेम टाइमिंग पर 3:30 बजे ही वो चलेगी, और टेक्निकल जो क्लासे हैं वो सेम चैनल, यानी इसी चैनल पर चलती रहेंगी मेरे भाई लोगों। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान करनी है, ठीक है।
तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्लास फायदा देगी और आपके नंबरों में इजाफा कराएगी। मेरे भाई लोगों, अगर आपको लगता है कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस किए गए हैं, तो मेरे भाई लोगों इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर, जहां जहां भी आप लोग एक्टिव हैं सभी ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, ताकि सभी तक ये क्लास हमारी पहुंच सके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, टेलीग्राम पर तो जरूर मिलेगा, टेलीग्राम पर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल पूरा जीके कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, रेलवे का पूरा जीके, पूरा रेलवे का स्टैटिक जीके मैं आपको इन्हीं सीरीज के तहत कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए मेरे भाई लोगों, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास फायदा देगी और आप इसको शेयर करके अपना पुण्य बढ़ाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए, तो आप सभी लोग सुखी रहें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग आनंदित रहें, आप सभी लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवारों में सभी लोग सुरक्षित रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे कल तक के लिए। कल 3:30 बजे फिर मैं रेलवे का नया टॉपिक लेके आऊंगा और कल हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे जोन्स के बारे में। जी हाँ, रेलवे जोन्स के बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस मेरे भाई लोगों, इतनी बात आपको ध्यान में करनी है। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।